आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज चैनल। धुलिया शहर में धुलिया शहर की पुलिस की जगह जगह कार्रवाई शुरू है और आवाम को मेमो दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और अपनी जरूरियात की चीजों को खरीदी के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक की छूट दी गई है। पुलिस का कहना है कि जो लोग 11 बजे के बाद दुकान खोल रहे हैं या जो लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं, हम उनके खिलाफ और बगैर मास्क और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ईद के बासी के दिन तिरुपति लॉज के पास तकरीबन 10 लोगों को मेमू दिया गया, तो वहीं मुरलीगंज चौक में करीब 7 लोगों का मेमू बनाया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत तो सब्सक्राइब करें। हमारी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। शासनाचा 11 वाजेपासून लॉकडाऊन चालू होतो। 11 वाजेनंतर सर्वांनी आपले आस्थापना बंद करायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर नागरिकांनी सुद्धा विनाकारण रोडवर फिरायचं नाही आहे। तसेच ज्यांना काही आवश्यक काम आणण्यासाठी बाहेर जायचं असेल त्यांनी तोंडाला मास्क लावून फिरायचं आहे। जे कायद्याचे आणि लॉकडाऊनचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई आम्ही करीत आहोत आणि 11 वाजेनंतर सर्वांनी विनाकारण फिरू नये। या संदर्भात आम्ही ज्या ज्या लोकांनी कारवाई केलेली नाही त्यांच्यावर आम्ही दंडात्मक कारवाई करीत आहोत।